शादी के बाद पति के घर से गहने नगदी समेत कर मायके पहुंची पत्नी, अब पति को दे रही है जेल में सड़वाने की धमकी। पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर पुलिस से लगाई मदद की गुहार। खबर शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस से है, जहां पत्नी से प्रताड़ित एक पति ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार हरीश चंद्र कुशवाहा निवासी दिनारा ने बताया कि 8 माह पहले उसकी शादी कविता कुशवाहा निवासी बनगवा के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पत्नी का व्यवहार मेरे और परिजनों के साथ अच्छा नहीं था। पत्नी को समझाने पर वह माता पिता से लड़ाई झगड़ा व गाली गलौज करती थी। वह कहती थी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मेरे माता पिता ने मेरी शादी तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है, मैं किसी और से शादी करना चाहती थी। 1.5 माह पहले पत्नी घर से गहने और 20,000 रुपये नकदी लेकर मायके चली गई है। मैं पत्नी को लेने मायके गया तो पत्नी और ससुराल वालों ने मुझे गाली गलौज कर भगा दिया। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी कहती है कि तुमने जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश की तो आत्महत्या कर लूंगी और पूरे परिवार को फंसा दूंगी। हरीशचंद्र कुशवाहा ने एसपी ऑफिस में आवेदन देकर पुलिस से लगाई मदद की गुहार। आपका हरीशचंद्र कुशवाहा, कहाँ से आयो? दिनारा से आए। तो एसपी ऑफिस आयो, क्या समस्या लेके आयो? अपनी पत्नी के बारे में समस्या लेके आए, अगर वो घर पे चली गई है लड़ाई झगड़ा करके, माता पिता से लड़ाई झगड़ा करके और घर की सारी चीज़ें वगैरह लेके, और वहाँ जाते हैं तो आती नहीं है, कहती है कि मैं जहर खा लूँगी अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो, और किसी भी प्रकार का सा ना संबंध बनाती है ना कुछ, मतलब और जहर खाने की धमकी देती है कि मैं जहर खा लूँगी तुम्हारे परिवार वालों को जेल में छड़वा दूँगी, और गाली गलौज करती हैं। क्यों हुआ झगड़ा, क्यों हुआ? सर जैसे शादी हुई है उसका व्यवहार बिगड़ गया था बिल्कुल। अच्छा। हाँ, ना तो कोई काम करती है ना कुछ करती है, घर पे बैठी रहती है। मैं मजदूर से आदमी हूँ, सुबह जी मान लो 9 बजे निकल जाता हूँ, शाम को आता हूँ। तो कोई और से संबंध है क्या उसके, आपकी पत्नी के? सर इतना तो पता नहीं है। ये हाँ, एक दिन वो बोल रही थी कि मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई गई है। हाँ, और उसकी मम्मी भी बोलती है कि मैं अपनी लड़की को तुम्हारे यहाँ नहीं भेजूँगी, मैं दूसरी जगह बैठा दूँगी। तो शादी किसके मर्जी से हुई थी? पर शादी नहीं करवाने चाहती उनकी मम्मी भी नहीं करवाने चाहती थी। हाँ, मम्मी भी नहीं करवाने, और मम्मी अभी मना भी करती है मम्मी उनकी। हाँ, तो शादी क्यों हुई फिर, किसके संबंध में हुई, कैसे हुई फिर शादी? उनके परिवार वालों की जबरदस्ती, वो कहती है कि मेरे परिवार वालों की जबरदस्ती से मेरी शादी हुई है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं जहर खा लूंगी और तुम्हें जेल में छड़वा दूंगी, तुम्हारे पूरे परिवार वालों को छड़वा दूंगी। क्या नाम है आपकी पत्नी का? कल्पना। कल्पना नाम, कल्पना पूरा नाम? कल्पना कुशवाहा। कल्पना कुशवाहा। तो कोई आपसी कोई झगड़ा मगड़ा चल रहा था कोई पहले से? नहीं सर, झगड़ा कोई नहीं चल रहा था। कोई झगड़ा नहीं चल रहा था? कैसे चली गई? हाँ सर।